नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के देवबंद तहसील में सफाई अभियान चलाया गया। सहारनपुर के देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव हाशिमपुरा में आने वाली कावड़ यात्रा को लेकर ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र धीमान और ग्राम प्रधान अब्दुल सत्तार की देखरेख में सफाई अभियान चलाया गया, जहां सड़कों पर पड़ी गंदगी को जेसीबी के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में भरवा कर डंप यार्ड तक पहुंचाया गया। मीडिया से बात करते हुए ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र धीमान ने बताया कि प्रत्येक वर्ष कावड़ यात्रा मार्ग की सफाई के लिए उच्च अधिकारी को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्यतः सीडीओ सहारनपुर, जिला पंचायत अधिकारी सहारनपुर के निर्देश दिए गए थे कि कावड़ मार्ग पर किसी भी तरह की गंदगी न हो और लाइट पानी की व्यवस्था सुचारू रहे और बंद पड़े शौचालय को भी खुलवाया जाए। साथ ही उनके निर्देश पर सफाई अभियान चलाया गया, जिससे कावड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रत्येक वर्ष कावड़ यात्रा मार्ग की सफाई के लिए उच्च अधिकारियों का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, इसमें प्रमुख सीडीओ साहब सहारनपुर और जिला पंचायत राज अधिकारी सहारनपुर और खंड विकास अधिकारी देवबंद द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कावड़ यात्रा मार्ग पर कोई भी गंदगी किसी प्रकार की न रहे, लाइट व्यवस्था लगवाई जाए, लैट्रिन शौचालय सब खुलवा दिए जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्य कराया जा रहा है, जिसमें देवबंद मंगलोर रोड पर ग्राम पंचायत चौकियाड़ी, मिरकपुर, मानकी मंदिर और देवबंद देहात में यह कार्य पूरी तरह संपन्न होने की कगार पर आ गया। फिलहाल कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए सभी अधिकारियों ने जिला स्तर से भी और खंड विकास देवबंद स्तर से भी जो हमारे वीडियो साहब हैं, केडियो साहब हैं, सभी अधिकारियों ने इसके आदेश दिए हैं कि सफाई कराई जा। तो हमारा एरिया पड़ता है मानकी मंदिर से हाशिमपुरा मंगलोर रोड और दिव्या कॉलेज से होते हुए हाशिमपुरा और उसके बाद जो भायला फाटक पड़ता है अहमदनगर का लवगली के करीब तक, तो वहाँ तक ये हम सफाई कार्य करा रहे हैं और लाइट की व्यवस्था करा रहे हैं। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।